हेलो गाइज, स्वागत है न्यू नेहा बुटीक पर। तो गाइज, आज की वीडियो में सलवार में प्लेट कैसे डाली जाती है वो आज हम सीखेंगे। तो ये मैंने सलवार की कली जोड़ ली है, और सलवार की कली हमने कैसे कटिंग मतलब सलवार को हमने कैसे कटिंग किया है ये वीडियो मैंने पहले भी बनाई हुई है। तो अगर इसकी कटिंग की वीडियो आपने देखनी है तो चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। तो जैसे 2.5 मीटर सलवार की कटिंग मैं हमेशा करती हूँ ना, यहाँ से बिना कलियों को कटिंग की हुई है, देखिए सिलाई लगा रखी है, ठीक है। तो ये इसकी कटिंग की वीडियो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये दोनों साइड के आसन, और ये बीच में पल्ले, और ये दोनों साइड कली, पूरी सलवार को हमने जोड़ लिया है। अब इसकी बेल्ट भी बना ली है। ये है इसकी बेल्ट, ये हैवी साइज़ की बेल्ट है। तो बेल्ट की जो लंबाई है वो है 26 इंच तैयार है। यहाँ हमने इसमें नेफा फोल्ड किया है। तो आसान तरीके से आज मैं ये प्लेट डालने बताऊंगी सलवार में, और बिगनर्स भी बड़े आसान तरीके से इसको फॉलो करके बना सकते हैं। सबसे पहले हम बेल्ट पे निशान लगा लेंगे, जितनी भी दूरी में हमें अपनी सलवार में प्लेट डालनी है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 इंच तक प्लेटें डालेंगे, उससे ज़्यादा नहीं डालेंगे, ठीक है। तो 10 इंच तक यहाँ पर निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए, जैसे कि हमें यहाँ तक प्लेटें डालनी है, यहाँ से अगर एक प्लेट आगे पीछे हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हमें कोशिश रखनी है कि 10 इंच तक हमारी प्लेट आनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने निशान लगा लिया, और यहाँ पर भी निशान लगा लिया। अब कैसे चेक करेंगे, सलवार का कौन सा भी एक साइड ले लेंगे। जैसे ये बैक साइड से ले लिया, अब बैक साइड से हम दो प्लेट डालते हैं हमेशा से। कैसे डालते हैं दो प्लेट, एक उठा करके इधर से रख लेते हैं और एक इधर से। ये देखिए, एक इधर से डाल ली, इसको पिन अप कर दिया, और एक डाल ली यहाँ से। तो बैक प्लेट मैं हमेशा इस तरह से डालती हूँ, दो प्लेट डाल ली करके दोनों प्लेट डाल ली है। अब इसको इस तरह से कर लेंगे, ऐसे ऐसे क्या करेंगे, जितनी बेल्ट हमारी प्लेन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बेल्ट हमने यहाँ से इसको ऐसे लगा के यहाँ तक को नाप लिया है, यहाँ तक कि ये सलवार हमारी प्लेन रहेगी पीछे तक। यानी कि यहाँ तक हम इसको छोड़ कर ये जो कपड़ा है इसको हम पूरे को हमें प्लेट डालनी है 10 इंच तक, यहाँ से लेके जहाँ से हमने निशान लगाया है वहाँ से लेके पूरा कपड़ा हमें इसके अंदर कवर करना है 10 इंच तक, ठीक है। तो किस तरह से डालेंगे अभी बता देती हूँ। ये निशान हमने यहाँ तक लगा लिया, हमें ये तो समझ में आ गया कि प्लेट हमें यहीं तक बनानी है, इससे आगे हम नहीं जाएंगे। तो ये है आगे का आसन, और आगे का आसन इस तरह से रखेंगे। हैवी साइज की सलवार है तो 1 इंच तक यहाँ तक इसको प्लेन रख देंगे, और दूसरी साइड भी 1 इंच का प्लेन रख देंगे। तो बीच में ये सेंटर रख देंगे बीच में प्लेन, तो इससे भी सलवार अच्छी बनती है। जब पहनते हैं तो ये आगे इकट्ठी नहीं होगी, प्लेट यहाँ बीच में आएंगे तो ये आगे से थोड़ा सा गैप हम इसमें छोड़ देंगे। ये छोड़ भी सकते हैं और ये ना भी छोड़ सकते हैं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। ये हैवी साइज है तो इसमें ज़्यादा प्लेटें तो डलेंगी नहीं, इसलिए मैंने यहाँ इसमें गैप छोड़ दिया, ठीक है। अब प्लेट हम जितनी भी उठाएंगे यहाँ से लेके वे सारी इक्वल उठाएंगे। तो हम एक निशान बना लेंगे, जैसे मैंने ये निशान बना लिया मशीन का, ये ब्लैक कलर का जो पॉइंट है, मैं यहाँ से प्लेट उठाती हूँ, यहाँ से प्लेट उठा करके सारी इक्वल इक्वल इतनी प्लेटें बना लेंगे। और मशीन का जो हम ये सिलाई लगाएंगे ये बड़ा कर लेंगे प्लेटों में, और सारी प्लेट हम यहाँ से उठा सकते हैं तो हमारी बराबर प्लेट आएंगी। अब इसमें ज़्यादा प्लेट नहीं डलेंगे, तो मैं क्या करूँगी, आधा इंच से
आगे की साइड से उठा लूंगी। तो मेरे को ये अंदाजा हो गया कि एक मैं सारी प्लेटें यहाँ से उठाऊंगी तो सारी प्लेटें इक्वल आएंगी। अगर हमारी 3 मीटर की सलवार है तो मैं उसमें क्या करती हूँ, 1 इंच इधर की साइड से उठा लेती हूँ, जैसे मैंने यहाँ से उठा लिया। तो ये मैंने अपने आप से ही एक अंदाजा बना रखा है कि अब ये कपड़ा सलवार में इतना है तो मैं अब इसको यहाँ से उठा लूँ, अब इसको यहाँ से उठा लूँ, अब इसको यहाँ से उठा लूँ। तो ये हमें करते करते अपने आप ही आ जाते हैं ये तरीके, ठीक है। तो अब हम यहाँ से इसको उठाते हुए और जितनी भी प्लेट की हम चौड़ाई रखेंगे, मैं रखती हूँ 1/2 इंच की, 1/2 इंच की रखेंगे, ना ज़्यादा छोटी करेंगे ना ज़्यादा बड़ी करेंगे, जिससे देखने में भी अच्छी लगे और पहनने में भी अच्छी लगे। तो यहाँ से उठाते हुए 1/2 इंच की प्लेट डालते हुए इस साइड की पूरी प्लेटें बना लेंगे। तो अब ये देखिए इतनी प्लेट मैंने डाल ली। अब यहाँ आ गई सिलाई, ये सिलाई यहाँ पर आ गई, ये सिलाई यहाँ पर आ गई। तो ये जो पल्ले हैं इसका बीच सेंटर कर लेंगे यहाँ से, कई इसको गोडे बोलते हैं कई इनको पल्ले भी बोलते हैं, इसका बीच सेंटर कर लिया। तो जहाँ से हमें बीच सेंटर किया है यहाँ से लेके नीचे पहुँचे तक ये क्रीज होती है प्रेस की, जब हम प्रेस करते हैं तो ये बिल्कुल बीच सेंटर होता है सलवार का, ठीक है। तो इस पे हमें प्लेट ज़रूर से बनानी है, चाहे हम इसके आगे छोटी प्लेट बनाएं चाहे हमें बड़ी बनाएं, पर ये प्लेट हमें ज़रूर ऐसे लेनी है, ऐसे उठाकर डालनी है। इससे भी सलवार में फ़र्क पड़ता है, सलवार घूमती नहीं, सलवार सीधी रहती है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं नोट करने के, इनसे सलवार अच्छी बनती है। अगर इसके आगे कपड़ा कम है ज़्यादा है कोई दिक्कत नहीं है, प्लेट छोटी डाल देंगे, पर ये जो हमारा बीच का सेंटर है इसको हम ज़रूर से ऐसे पकड़ के इस पर प्लेट बनाएंगे। यहाँ पे जो हमने निशान लगाया था वो निशान आ चुका है, तो प्लेट हमें उतनी ही बनानी है। निशान आ गया कोई दिक्कत नहीं, इसको देख लेंगे जब बेल्ट लगाएंगे तब। अगर हल्का सा हमारा ये पार्ट लंबा है तो इसमें हम एक छोटी सी और डाल देंगे। तो एक साइड की प्लेटें डल चुकी हैं, अब हम इनको मापेंगे साइज से। ये अंदाजे से मैंने आपके सामने डाल ली है और ये आप देख सकते हैं कहाँ तक आई है, ठीक है। जब आप इस तरह से डालोगे तो आपको एक दो बार परेशानी होगी, जब एक दो सलवार आप बना लोगे उसके बाद आपको अपने आप आदत हो जाएगी ये डालने की, और अपने आप अंदाजा आ जाएगा कि इतनी प्लेट यहाँ डालेंगे इतनी यहाँ डलेगी। आ चुका है 10 इंच तक, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक दो प्लेट और भी ज़्यादा डल गई तो हमें कोशिश रखनी है 9-10 के बीच में ही डालने की। अब इस साइड की प्लेटें मैंने डाल ली ये सीधा करके ऐसे, अब इस साइड की जो प्लेटें डालेंगे इसको हम ऐसे मशीन के अंदर से डालेंगे कपड़े को, इस तरह से कपड़ा मशीन के अंदर डाल दिया। सेम उसी तरह से पूरी प्लेटें इस साइड से उठाते हुए बना लेंगे। तो ये देखिए सेम मैंने दूसरी साइड भी प्लेट डाल ली और दूसरी साइड का यहाँ निशान आया है, इसमें भी इतना कपड़ा यहाँ पर हमने रखा है और इसमें भी इतना कपड़ा। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल इक्वल सारी प्लेटें इक्वल आई हैं, कहीं पे भी इस तरह से जब डालेंगे कोई भी छोटी बड़ी नहीं आएगी। अब इसमें बेल्ट कैसे लगाएंगे, इसको रखेंगे उल्टा इस तरह से, और यहाँ मैंने जहाँ पर ये सुइयाँ लगाई हैं यहाँ पे भी सिलाई लगा लेंगे, इन सुइयों को हटा देंगे। अब तो मैं इसमें ऐसे ही बेल्ट लगा करके आपको दिखा देती हूँ। तो ये बैक साइड है सलवार की, इससे हमें मिला कर लेना है बेल्ट का बैक साइड, और ये है बेल्ट की बैक साइड। ये इस तरह से मिला लिया दोनों को आपस में, और मिलाते हुए यहाँ तक ले जाएंगे जहाँ तक हमने
चुनट्टे डालनी है वहाँ से हम थोड़ा सा कपड़ा छोड़ देंगे, मतलब चार चार उंगल जितना हम कपड़ा यहाँ से छोड़ेंगे और यहाँ से सिलाई लगाना शुरू कर लेंगे। इस तरह से रखा और इसको इसके नीचे दबाया। और अब ये देखिए यहाँ तक मैंने सिलाई लगा ली है, यहाँ पर भी इतना कपड़ा बचा है, चार उंगल जितना कपड़ा यहाँ पर बच चुका है। अब हम इसको मिला करके देखेंगे, इस तरह से मिलाएंगे। दोनों की सिलाई यहाँ आपस में मिली हुई होनी चाहिए। तो ये देखिए यहाँ से मैंने बिल्कुल कपड़े को सीधा किया है और यहाँ से मैं पकड़ के दिखा देती हूँ, दोनों की सिलाई यहाँ मिल चुकी है। ये देखिए अगर थोड़ा भी इधर उधर है कपड़ा तो यहाँ पर हम प्लेट डालेंगे, अगर ये प्लेट वाला बड़ा है तो इसमें छोटी सी प्लेट यहाँ डाल लेंगे, अगर ये बेल्ट वाला बड़ा है तो यहाँ से खोल देंगे। तो इस तरह से हमें ये बेल्ट लगानी है। अब ये यहाँ पर मैच हो चुका है अच्छे से, मतलब दोनों सिलाइयाँ बराबर, तो यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ तक हमने सिलाई लगा ली है। अब जितना भी पूरा कपड़ा है ये बेल्ट के अंदर से हम दूसरी साइड निकालने के बाद इस तरह से बराबर आ जाएगा। ये देखिए सलवार का पूरा पार्ट। अब यहाँ हमारी हल्का सा ये वाला लूज है जिसमें हमने प्लेट डाल रखी है। अब इसमें क्या करेंगे, या तो इसी को खोल के थोड़ा सा बढ़ा करके डाल देंगे, या फिर अगर ज़्यादा कपड़ा है तो यहाँ पर एक चुनट और डाल देंगे। देखिए इतना सा कपड़ा हमारा यहाँ पर बड़ा हुआ, तो ये अगर छोटी सी चुन्नट डालेंगे तो एक्स्ट्रा यहाँ पर बेकार लगेगी। हम क्या करेंगे, इस चुन्नट को ही खोलेंगे और इसको हल्का सा बड़ा करके यहाँ पर लगा देंगे, तो इसमें ये बराबर हो जाएगा। अब ये देखिए एक सिलाई हमने पूरी बेल्ट पे लगा ली, एक सिलाई और लगा लेंगे। तो दोनों सिलाइयां हमने यहीं पे लगा ली हैं। आप चाहें तो इसको ऐसे करके यहाँ पर टॉप स्टिच भी लगा सकते हैं। अब मैं सीधी करके आपको दिखा देती हूँ किस तरह से हमारी सलवार की प्लेटें आएंगे। देखिए बैक साइड से तो इस तरह से आएंगी और सीधी साइड से इस तरह से आएगी। ये देखिए ये बीच में हमने दोनों साइड एक एक इंच का गैप रख दिया था और इस तरह से ये प्लेटें आएंगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही सीखेंगे, अगली वीडियो में कुछ और नया टॉपिक लेकर आएंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें।